प्राइम मिनिस्टर के इनॉग्रल स्पीच के बाद कुछ रिएक्शंस भी हमें सीधे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से सुनाई दे रहे हैं. कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु को आप सुनाते हैं. ही इज सेइंग व्हाई नॉट क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड एट द सेम टाइम व्हेन वी क्रिएट न्यू इंडिया. दैट्स सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज स्पीच. न्यू इंडिया विद न्यू वर्ल्ड विद न्यू इंडिया. दैट्स द थीम. थैंक यू सो मच सर. कम सर. न्यू इंडिया विद न्यू वर्ल्ड, यही है इस वक्त भारत का पूरे देश के लिए संदेश और नारा भी. और अपने इस भाषण के अंत में जरूर यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप आए, भारत में आए, और अगर वेल्थ और वेलनेस चाहिए तो भारत ही आपके लिए अल्टीमेट डेस्टिनेशन है. इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं. राकेश मोहन जोशी साहब हैं, चेयरपर्सन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड. राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर. एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसमें 20 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने इनॉग्रल स्पीच दिया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय भी है. लेकिन आपके लिए आप समझना चाहेंगे आपसे कि मेन की टेकअवेज आपकी तरफ से क्या रहे हैं इस भाषण के. देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए. और ये आज मैं अभी लाइव, जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही, मतलब मोदी जी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दुनिया को दिया है कि भारत एक स्टेबल देश है और द ओनली, हम रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म पे जा रहे हैं. अच्छा, उन्होंने बहुत ही सटल मैसेज ये भी दिया है कि वर्ल्ड के जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उन तीनों का उन्होंने ध्यान बहुत ही, मतलब वेरी एप्ली ही हैज पुट ऑन द क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म विच इज बेसिकली बीइंग डन बाय द डेवलप्ड कंट्री. उन्होंने बहुत अच्छा ये बताया है कि ग्लोबलाइजेशन एंड डिग्लोबलाइजेशन, उन्होंने बताया देर आर फोर्सेज स्पेशली इन द डेवलप्ड कंट्रीज जो ग्लोबलाइजेशन के विरोध में है, और ये सबटल विरोध से केवल उन्हीं देशों का नहीं सारे देशों का जो है वो नुकसान हो रहा है. उन्होंने एक बहुत ही सबटल वे के अंदर बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है कि रूल बेस्ड सिस्टम होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में. और रूल बेस्ड सिस्टम के अंदर आप देखिए कि उन्होंने मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन की बात की है. उन्होंने बताया है कि विश्व की आर्थिक प्रगति के अंदर तेजी लानी होगी उसके लिए मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में सुधार की आवश्यकता है. उन्होंने वर्ल्ड बैंक की बात बिना नाम लिए की है, उन्होंने IMF की बात बिना नाम लिए की है, और उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कहा है कि बदले हुए परिवेश में. इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने एक बहुत ही सटल वे में स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया का एक जो है ना से जरूर होना चाहिए. उन्होंने ये भी बताया कि भारत जो है $5 trillion की होने वाली है, और सबसे ज्यादा उन्होंने बताया कि द यूथ ऑफ इंडिया. अच्छा, उन्होंने बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है कि इंडिया इज डूइंग द बोल्ड रिफॉर्म्स विच हैज नेवर बीन डन. उन्होंने एक ये चीज भी बताई है कि इंडिया की रेटिंग बढ़ रही है, आपने ये बताया. और उन्होंने, मोदी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट संदेश ये दिया है कि विश्व परिदृश्य के अंदर भारत का क्रिटिसिज्म इसलिए हमेशा होता रहा है कि यहाँ के रूल जो है बड़े कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं. देयर हैव बीन ए कॉबवेब ऑफ रूल्स, और इस कॉबवेब ऑफ रूल्स के लिए आप देखिए कि 1400 रूल जो डिसमेंटल किए वो उन्होंने, उसकी उन्होंने बात है बहुत ही, मतलब तरीके से की है. फिर उन्होंने बताया कि FDI के लिए, मतलब भारत देश को खोला गया है. और आप देखिए, उन्होंने एक चीज बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत क्लियरली बताई है कि 90% इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर ऑटोमेटिक रूप से किया गया है, और इंडिया FDI के लिए फ्रॉम रेड ट्रैपिज्म, यू नो, वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवरसेल्व्स इनटू अ कंट्री ऑफ, यू नो, टू द रेड कार्पेट. एक इन्होंने एक और चीज बताई है कि भारत में अब वो सरकार है, क्योंकि वो एक विश्व परिदृश्य को संबोधित कर रहे थे. उसके अंदर ऑडियंस डोमेस्टिक नहीं था, एक ग्लोबल ऑडियंस था. और ग्लोबल ऑडियंस के लिए उन्होंने बताया कि भारत निर्भीक नीतिगत फैसले ले रहा है जो लोगों की, इन्वेस्टर्स की अपेक्षाओं, पुरुषार्थ और आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरेगा. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई है. और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे अच्छी चीज लगी, और जो मेरे ख्याल से कोई राजनेता या ब्यूरोक्रेट आज तक नहीं कर पाया, उन्होंने भारत की कल्चर को इससे जोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन आज की बात नहीं है, ग्लोबलाइजेशन भारत के अंदर जो मल्टी कल्चरल मल्टी पोरल सिस्टम है नो वेयर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड. ही टॉक्ड अबाउट द वसुधैव कुटुंबकम, और उन्होंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन जो है वेस्ट में तो आज आ रहा है, बहुत ही सटल तरीके से कहा, लेकिन हम तो थॉट से ही ग्लोबल है, भारत थॉट से ही ग्लोबल है. और उन्होंने एक चीज और कही, गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म,
बिना नाम लिए उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का जिक्र कर दिया, बिना नाम लिए उन्होंने उन ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र कर दिया जो दुनिया के अंदर टेररिज्म को परोस रहे हैं, दुनिया में टेररिज्म फैला रहे हैं। और उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि ही इंटीग्रेटेड इट विद आवर संस्कृत विजडम। उन्होंने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। बाकी राकेश जी, मतलब इस मंच से, अंतर्राष्ट्रीय मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक जगत को भी संदेश दिया है, भारत की तारीफ भी की, अपनी उपलब्धियां भी गिनाई और न्योता भी दे दिया, और साफ तौर पर यह संदेश दिया वसुधैव कुटुंबकम का, और वेल्थ और वेलनेस के लिए अगर आना है तो आप भारत जरूर आए। बहुत ही अच्छे से इस पूरे स्पीच को समअप करने के लिए राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और रिएक्शंस अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। A reform which has been in the works for the longest time, but has been implemented by this government. He spoke about how demonetization has helped, how the bankruptcy law. In so many ways, this government is not scared to adopt large reform. Even if आप क्या समझते हैं मैसेज क्या जाएगा इससे? हमें लगता है कि इसका मैसेज ये है कि खासकर आज स्पेसिफिक में आप काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और एक लीडरशिप की पोजीशन पूरे दुनिया में लेगा। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने कहा, एक काइंडर जेंटलर नेशन जो जहाँ पर आके आपको वेल्थ के साथ वेलनेस मिलेगी, जहाँ आपको हेल्थ के साथ होलनेस मिलेगी और जहाँ आपको पीस के साथ प्रोग्रेस मिलेगी। सो एक ऐसा देश जो अपने में एक यूनिक है, जिसका एक पास्ट है और एक जिसका एक फ्यूचर है, साथ में मिलके एक बहुत सशक्त ग्लोबल पावर के रूप उभरेगा। थैंक यू।